साथ बैठे हैं। वेलकम एवरीवन। रोलिंग। हाँ, मेरे साथ बैठे हैं श्री केसर मथारू जी। केसर मथारू जी जसलीन के पिताजी हैं और हमारे पुराने मित्र हैं। मुझे जसलीन का एक दिन फ़ोन आया। जसलीन हमसे गाना सीखती है, हमारी स्टूडेंट है। उसका मुझे फ़ोन आया कि बिग बॉस से उसको ऑफर आया है। तो मैंने उसको कहा तुमको ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ जाने से तुम्हारा खूब नाम हो जाएगा। तो कहने लगे नहीं, उसमें एक अड़चन ये है कि वो विचित्र जोड़ी बना के ही मैं जा सकती हूँ। तो मैंने कहा किसी को ले जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप आइए। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, इतने दिन इतने सारे कॉन्सर्ट छोड़ना, ये सब करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। फिर उसने अपने पिताजी से फ़ोन कराया। फिर ये दोनों आ गए हमारे पास कि जी आप प्लीज़ समझिए, आइए। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। क्योंकि 2 साल पहले मैं बिग बॉस में जाने वाला था, मेरी सब बातें हो गई थी, सब तय हो चुका था। लेकिन मैंने उनके ऑफिस को कहा था कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर डेट्स कन्फर्म करिए, नहीं तो मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे प्रोग्राम सब लगे हैं, सबको डेट्स चेंज करनी पड़ती मुझे कॉन्सर्ट्स की। तो उन्होंने 1.25 महीना लगाया मुझे डेट बताने में। तब तक मेरे बहुत बुकिंग्स हो चुकी थी और मैंने मना कर दिया। तो फिर मेरी जगह स्वामी जी को किया था, अगर आपको याद हो 2 साल पहले स्वामी जी उसमें आए थे। खैर, अब अपनी बात पे आते हैं कि जब मैंने कह दिया कि हाँ मैं आऊँगा, तो ये तय हुआ कि गुरु शिष्य की जोड़ी, और ये भी बहुत विचित्र जोड़ी है क्योंकि मैं ट्रेडिशनल हूँ, वो बड़ी मॉडर्न है, तो ये भी एक विचित्र जोड़ी अच्छी बन गई। और मैंने हाँ बोल दी, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जसलीन ने। 1 हफ्ते रह गए थे बिग बॉस में जाने के, और बिग बॉस ने जसलीन को घर से बिग बॉस के सेंटर पे बुला लिया, उठा लिया वहाँ से 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले उसको आउट हाउस में बिग हाउस के ले गए। अब उसके पास फ़ोन भी नहीं, कुछ नहीं, उसको कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हमने कहा सब तय तो हो ही गया कि ये गुरु शिष्य की एक जोड़ी है, हम लोगों का तय हो चुका है और हम उसमें जा रहे हैं। ये हम लोगों ने आपस में जो तय किया। तो शो के दिन मैं वहाँ पहुँचा, ऊपर आके सबसे पहले मंच पे मैंने ऐसी लागी लगन गाया। ऐसी लागी लगन गाने के बाद में सलमान के पास पहुँचा, उनसे गले लगे, और सलमान भाई ने मेरी थोड़ी तारीफ़ की। और उसके बाद मुझे पूछा कि आपके साथ और कोई नहीं आया? मैंने कहा नहीं आया, मेरे साथ जसलीन आई है जो मेरी स्टूडेंट है, मुझसे गाना सीखती है। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन वो तो कुछ और कहती हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। और जसलीन आ गई, और जसलीन ने आके कहा कि मैं इनके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मुझे बड़ा झटका लगा, मैंने उसकी तरफ देखा कि ये क्या हो गया, कहानी बदल गई। ये टीवी घर में देख रहे थे, ये लोग सब अपसेट हो गए। हमारे परिवार में जो लोग देख रहे थे वो सब अपसेट हो गए, घबरा गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो खैर, जब मैंने देखा कि इसने ये कहा है, और वहाँ पर उस स्टेज पे ये कहने के बाद में 2 मिनट बाद हमको बिग बॉस के हाउस के अंदर जाना था, वहीं गेट होता है, तो मैंने कहा अच्छा अब इसने बोल ही दिया है तो यही निभाते हैं जब तक हैं अंदर, 2-4 हफ्ते अंदर हैं, ज़्यादा नहीं है, निभाते हैं। और हम और जसलीन हाउस के अंदर चले गए। 1.5 महीना मैं वहाँ रहा, बहुत खूबसूरत 1.5 महीना मैंने गुजारा। इस 1.5 महीने में बहुत से लोगों से जान पहचान हुई, कुछ कॉमनर्स, कुछ
सेलिब्रिटीज, रोज हम वहाँ प्राणायाम करते थे, रोज सूर्य नमस्कार, रोज अपना रियाज, योगा, तो मेरा 4 किलो वजन कम हो गया, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। 8 घंटे रोज सोने को मिलता था रेगुलर, जो मुझे 30 साल से नहीं मिला इस तरह सोना, मेरे कॉन्सर्ट्स और ट्रैवलिंग की वजह से। तो अगर मुझे वहाँ फिर से भेज दें, क्योंकि मेरा उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर तक का है, मुझे अगर वो फिर बुला लें और 4 किलो मैं और कम करके आ जाऊँ, तो अगले सेशन का होस्ट मैं होऊंगा, सलमान खान नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो अब मैं वापस आया हूँ वहाँ से, तो वापस आकर जो सत्य बात है वो मैंने सबको कह दी। मैं इनसे भी मिला, इन्होंने भी कहा कि हाँ, हम लोग सब चौंक गए कि तय तो ये हुआ था कि गुरु शिष्य की तरह जा रहे हैं, ये क्या हो गया। इनसे भी जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, इन्होंने भी वही बोला है जो मैंने बोला है, और जो जो मैंने बोला है अगर उसमें कोई एक वर्ड भी इधर उधर हो तो आप बता सकते हैं। सही बात है, यही बात तय हुई थी एक्चुअली, ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था, लेकिन अभी मैंने ये उसी फर्स्ट डे देखा था शो के दौरान, जब जसलीन ने आके इनको लव रिलेशन की बात की, तो ये भी थोड़ा चौंक गए थे। इनके एक्सप्रेशन से मुझे लगा था कि इनको भी कुछ शायद पता नहीं है, लेकिन जब ये अंदर चले गए तो मुझे लगा कि लेट्स सी, अभी आने के बाद ही पता चलेगा कि इनको पता था कि नहीं पता था, लेकिन इनके एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहा था कि शायद इनको कुछ पता नहीं है, ये कुछ नई बात हो गई। अब ये क्या बात हुई है, ये तो जसलीन के आने पे ही पता चलेगा, या मैं बिग बॉस में जाता हूँ, मैं वहाँ जाके बात करूँ, मैं पूछूँ जसलीन को कि ये नहीं जाने देंगे, वो जाने नहीं देंगे, हो सकता मुझे अंदर बुलाएं अभी, हो सकता है, क्यों, बीच में एक बार कॉल आया था जब आप वहाँ थे तभी मुझे बुलाया था, कभी बुलाते हैं, हाँ, लेकिन फिर उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, बोलते नहीं इस हफ्ते नहीं, आपको नेक्स्ट वीक में देखते हैं, तो अगर बुलाते हैं मैं जाके पूछूंगा अभी ये क्या था, या बाहर आने के बाद फिर आप भी पूछिए मैं पूछूंगा। अब जब जसलीन बाहर आएगी तो बाकी कहानी और पता लगेगी। मैं बाहर आया हूँ, मैंने जो जो था आपको बता दिया, लेकिन अब जो आप लोगों के सवाल हैं वो एक एक करके सवाल करिए, मैं उससे जवाब देता हूँ। पता था नहीं, लेकिन आपने इंटरव्यू में कहा था कि आप इनसे थोड़ा सा नाराज हैं, तो अब ये नाराज नहीं? नहीं नहीं नहीं, नाराज हूँ ये कि भाई ये मेरे लिए शॉकिंग है, इसलिए मैं नाराज हूँ, लेकिन ये पता था, मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं तो कह रही है, पता नहीं था, पता नहीं था, पता नहीं था, हाँ मुझे पता नहीं, करेक्ट, पता नहीं था, इसलिए आप इनसे थोड़े से नाराज थे, तो अभी नाराजगी खत्म हो गई, अभी खत्म करो ना, किस बात की नाराजगी, कुछ हर बात स्पष्ट है, सामने है। अब तो मैंने इनसे कहा कि जसलीन की शादी में मुझे बुलाइएगा कन्यादान के लिए, हम दोनों करेंगे साथ, जब कोई, क्योंकि आप 1.5 महीने बिता कर आए बिग बॉस के घर में, आप बाहर आ गए और आप अपने और जसलीन के रिलेशन को भी सबके सामने क्लियर कर रहे हैं, नकार चुके आप 1.5 महीने के अंदर, आपको क्या लगता है कि कौन अब विनर हो सकता है, क्योंकि आप तो बाहर आ गए हैं? रोमिल फिलहाल लग रहा है, क्योंकि वो एक वकील है और वो अपने टास्क को पढ़ता है बहुत ध्यान से, उसमें वो शब्द वो पढ़ लेता है जो हम देख नहीं पाते, तो उसको विनर होने, मुझे आज मैं उसको विनर देख रहा हूँ, धीरे धीरे कोई और उससे ज़्यादा ऊपर उठ जाए तो बात अलग है। अब वो दीपक जो वहाँ सिंगर है, जो काफ़ी एक्टिव है, वो भी उसके अंडर काम करता है, जो जो रोमिल कहता है अपने इशारे से वही दीपक करता है, तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि रोमिल विनर है। अब आगे जसलीन भी अगर और बोलेगी और खुल जाएगी तो उसके भी चांस हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि पहले कुछ और बात हुई थी और बाद में वहाँ पे स्टेज पे जाने के बाद थोड़ा सा मतलब मामला बदल गया, तो उससे लगता है कि बिग बॉस भी थोड़ा सा स्क्रिप्टेड हो सकता है उस चीज को लेकर? अगर बिल्कुल नहीं, बिग बॉस में सिर्फ एक स्क्रिप्टेड था जो हमारा उन्होंने डेट के लिए इवनिंग अरेंज की थी, जिसमें हमको तैयार किया गया, जसलीन को तैयार किया गया, एक बहुत अच्छा वहाँ पे बादलों के साथ में एक टेबल लगी हुई, बहुत खूबसूरत सेट बनाया था, वो उन्होंने अरेंज किया था, क्योंकि वो तो हम तो कर नहीं सकते, वो तो उन्होंने ही करना था, तो वो डेफिनेटली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और वो हमने बहुत इन्जॉय किया, मैंने एक दो गाने भी गाए, हमने उसके साथ थोड़ा डांस भी किया, बहुत अच्छा लगा था। आपके जो
बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया इस चीज को लेकर, हर्ट हुआ होगा ट्विटर में बहुत सारे गॉसिप निकले कि अभी सुबह में उनके फैमिली के कुछ लड़के हैं लड़की है उनके आधे उम्र के लड़के साथ प्रेम कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको लगता है कि नेगेटिविटी फैलती है? नेगेटिविटी फैलती है लेकिन आज खत्म हो जाएगी ना, आज जब आप लोग सही सही बात करेंगे जो हम बोल रहे हैं जो 100% सच है तो वो ख़त्म भी तो हो जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े दिन की बात थी, लोगों ने लिख दिया अपने मन की भावना को, अब वो ये भी लिखेंगे हमको पता लगा कि भाई ये तो गलत था, तो बात ख़त्म। और बताइए बहुत से लोग ऐसे रह गए और इसमें अधिकांश लोग तो हमारे यार दोस्त ही हैं जो आते हैं हमारे घर पे अक्सर, तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ लोगों को ये शिकायत ना रह जाए कि हमको नहीं बुलाया हमारे साथ नहीं हुआ, तो जो प्रीतम शर्मा जो हमारे साथ ऑर्गेनाइज करते हैं उनको मैंने कहा कि किसी को शिकायत नहीं रह जानी चाहिए, बोलना तो हमने वही है जो हम पहले बोले हैं, एक शब्द भी अलग नहीं आपने सुना होगा, तो आप लोग आ गए हैं आपके मन में अब शिकवा नहीं होगा कि भाई हमको नहीं बुलाया, और कोई कारण नहीं। नहीं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से, यही मैं ऑब्जर्व करता था क्योंकि जब भी मिले हैं जब भी जो मैंने देखा है, मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि ऐसा मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं, इनको कभी कोई रिलेशनशिप होता है तो पता चलता है, मेरे वाइफ ने या मेरे बेटे ने या मैंने कभी भी ये घर आए तो हमने कभी ऐसी चीज़ कोई नोटिस ही नहीं की, ये चीज़ें छुपती थोड़ी हैं तो कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा था कि बाहर आएंगे तो ये चीज़ पता चलेगी। अभी जसलीन ने ये क्यों कहा वहाँ पे, ये क्या स्ट्रेटजी है उसकी, तो ये वो आए तो मैं उससे पूछूं, अब तो वही रह गई है, पहले मैं इनके बारे में कहता था ये आए तो इनसे पूछें या अपनी बेटी से मैं पूछूंगा, अब वो आएगी तो उससे पूछेंगे या मैं आज वहाँ जाऊँ तो वहाँ जाके पूछ लूँगा, तो पता चल जाएगा उसमें, और फिलहाल मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता क्योंकि अभी अच्छा खेल रही है वो, एटलीस्ट जिस काम के लिए गई है वो काम तो अभी सही ढंग से करके आए, मैं वो चाहता हूँ। ठीक बात, तो अभी खुली है वो, अभी बोलने लगी है, पहले इन्होंने सही कहा था कि इनके अंडर थी तो इनकी गाइडेंस भी चल रही थी, कम बोलती थी, अभी उसे खुल के बोलने का उसे मौका मिल गया, और शायद उसकी ये स्ट्रेटेजी भी है कि पहले भाई सबको मैं देख लूँ समझ लूँ ये लोग कैसे हैं कौन है क्या है, अब उसकी समझ में आ गया ये गेम क्या है, कौन कितना चिल्ला रहा है कौन कितना किस तरह गाली गलौज करता है, वो इस स्टैंडर्ड पे तो नहीं जाएगी, जैसे अगर वो किसी से झगड़ा भी करेगी तो बहुत नाप तोल के उसके अल्फाज होंगे जो उसे बोलने हैं, इतनी तो उसे नॉलेज है, बाकी देखते हैं अभी क्या करती है, तो अभी क्योंकि वहाँ जो रहता है आदमी उसको ही पता होता है, जैसे क्रिकेट के मैदान में बैट्समैन होता है वो सबसे दुनिया में अकेला आदमी होता है, वो अपने आप को फील करता है सेंटर में खड़ा हुआ, तो ऐसे ही वहाँ आपने भी देखा होगा तो आपको भी पता ही है कि वहाँ अकेला ही होता है आदमी, सब अपनी अपनी गेम खेलते हैं अकेला ही होता है, उसे ये पता नहीं होता कि पास वाला क्या अभी करने वाला है अंदर जाके कन्फेशन रूम में क्या करेगा। अनुप सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपका इतनी जल्दी बाहर आना ये भी एक वजह हो सकती है कि आपने अपना जसलीन के साथ रोमांटिक एंगल कहीं ना कहीं शो में बढ़ाया नहीं है, अपनी तरफ से कभी आपने और जसलीन ने कोई कोशिश नहीं की कि इसको रोमांटिकली पेश किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चैनल का कॉल वो हो सकता है क्योंकि आपको उसी तरह जोड़ी पे लेके गए और उन्होंने कई प्रयास भी किए जैसे आपको डेट पे भेजना, फिर एक टास्क हुआ था जहाँ पे वो आपकी कपड़े वगैरह हाँ वो और फिर वो कपड़े वपड़े त्यागने वाला वो सब कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे कि उस तरह से ये एंगल दिखे बाहर जो कि दिखा नहीं, तो ये भी वजह हो सकती है? लगता तो नहीं है ये वजह, क्योंकि मुझे जो निकाला गया है वो इमेज कॉन्शियस की वजह से निकाला गया, मुझे कहा गया कि आप इमेज कॉन्शियस हैं, मैंने कहा बिल्कुल हूँ क्योंकि मेरी इमेज है, मैं इस तरह गाली गलौज नहीं कर सकता जैसे यहाँ की जाती है, लोग जैसे चिल्लाते हैं वो सब तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं अपनी इमेज को बिल्कुल संभाल के रखना चाहता हूँ, तो कहने लगे फिर आपको नॉमिनेट कर देते हैं, मैंने कहा कर दीजिए, और नॉमिनेट करने के बाद फिर मेघा जी ने दूसरे दिन मुझे कहा कि गलती हो गई आपको नॉमिनेट करके, मुझे अभी और लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए था, तो वो भी ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन नॉमिनेट तो मैं हो ही चुका था और उसी वजह से उन्होंने फिर मुझे निकाला है, और लेकिन मैं फिर जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा,
अगर मुझे फिर बुला लें तो मैं जाऊंगा और फिर से मज़े करूंगा। मतलब चांस है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में शायद कर सकते हैं, उनकी इच्छा होगी, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 31 दिसंबर तक का, तो कह देंगे तो मैं आ जाऊंगा। ओके सर, एलिमिनेशन के बाद आप घर से बाहर आने के बाद काफ़ी मीडिया को ये चीज़ के बारे में बता रहे हो कि ये रिलेशनशिप फिजिकल नहीं था या ऐसा नहीं था, तो आपको लगता है ये विचित्र जोड़ी जो टैग लग गया है इसके बाद ही कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी? अब नहीं होगा, अब लोग भूल जाए। क्या है कि जब लोगों को पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं है, पहले लोगों को जो शक था वो शक मेरी एब्सेंस में था, लेकिन अब मेरी प्रेजेंस में जो मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादा पावरफुल है, और ये लोगों के मन में जो गलत धारणा है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप लोग इसको उल्टा थोड़ी दिखाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वही तो दिखाएंगे। जब जसलीन ने मुझे कहा तो मैं बहुत चौंका कि ये क्या कह रही है, लेकिन उसके बाद इतना समय नहीं था कि इस पे हम कुछ डिस्कस करते, कुछ करते। सलमान साथ में खड़े हुए और नहीं, अंदर 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 मैं इस प्रोग्राम को बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहता था। नहीं, मेरा प्लान था कि जब उसने मुझे कहा कि हम रिलेशनशिप में हैं, मैंने कहा कि अब इस वक्त मैं इससे झगड़ा करूं, इसको क्या कहूं, इतना टाइम भी नहीं है, पीछे गेट उन्होंने खोल दिया है कि अंदर जाइए हाउस के, तो मैंने सोचा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 हफ्ते ही मुझे रहना है, चला लेता हूं, बाहर आके लोगों को बता दूंगा असलियत क्या है। मुझे क्या लगा कि मैं शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ लोगों के लिए, यहाँ तो मुझे मतलब उन्होंने नेशनल सीन बना दिया, डिबेट करा दिए टीवी पे, मुझे नहीं लगता था कि मेरा इशू इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, मैं इतना इम्पोर्टेंट आदमी हूँ कि मुझे एक जैसे कि कहते हैं नेशनल सीन पे, नेशनल सब्जेक्ट हो जिसपे डिस्कशन चल रहा है, ऐसी कोई नेशनल इशू हो ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं किसी आदमी को देखूंगा कि कोई आदमी अपने से 35-40 साल पुरानी लड़की से रोमांस कर रहा है या उसके साथ रहना चाहता है, तो मैं उसके में नहीं झांकूंगा, मैं कहूंगा उसका पर्सनल मामला है, उसमें झांकने की ज़रूरत नहीं है, सबका अपना अपना पर्सनल मामला है। मैं कहता हूं अगर ये है तो भी किसी को बोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं कहीं देखूंगा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने देखा कि इस बारे में लोगों ने बहुत बोला, इंटरनेशनल सीन बन गया है, अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह से मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो मैं जो लोग हर्ट हुए हैं उनसे मैं क्षमा मांगता हूं कि मेरे कारण आप लोगों को हर्ट हुआ है, और इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है, ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं। असल में मैं जाना चाहता था, बिग बॉस एक्सपीरियंस करना चाहता था, मैं 2 साल पहले जा रहा था। वो आपने बताया हाँ, फिर भी जैसे आप कह रहे हैं ना कि फेस पहुंचती है, आप कितने चाहने वाले हैं, बिल्कुल आपको मूरत की तरह मानते हैं, लेकिन उनको जब सच्चाई पता लगेगी तो वो वापस फेथ आ जाएगा उनका, क्योंकि जब उन्हें पता लगेगा कि ये सच नहीं है, जसलीन के पिताजी भी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई है ही नहीं, तो सच्चाई नहीं है तो पता लग जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। अच्छा अनुप जी, इसी पे मुझे एक क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे कि हमने देखा था सीक्रेट रूम में जब आप थे और आपको पता नहीं था जसलीन को कि वहाँ पे आप हो और आप उनको देख रहे हो, लेकिन जिस समय जसलीन ने जैसे सौरभ और शिवाशीष के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी आपके जाने के बाद, जहाँ पे सौरभ उनको मसाज दे रहे थे और शिवाशीष उनके साथ एक ही बर्तन में खाना खाते, उस समय आपको फिर बुरा क्यों लगा था, क्योंकि आपने कहा था कि यही कभी उन्होंने मेरे साथ सोच लिया होता। ये हुई थी बात, सौरभ जो है वो एक गांव से आता है, गांव का कल्चर कुछ और होता है, मैंने जो बोला था वो मैंने सौरभ के लिए बोला था कि तुम्हारे लिए लोग तुम्हारे गांव में अच्छा नहीं सोचेंगे, ये सब शहरों में होता है कि हम लोग पार्लर में जाते हैं, लड़का लड़की की मसाज करता है, लड़कियां लड़के का मसाज करती हैं, लेकिन तुम्हारे गाँव में ऐसा नहीं होता,
तुम ये जो कर रहे हो इस पे नियंत्रण करो, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन, वो सब इसको देख रहे होंगे, उनके अंदर क्या फीलिंग आएगी। तुम्हारे कुछ यार दोस्त भी हैं, वो इसका मजाक भी बना सकते हैं। तो बेटर है कि तुम इस पे नियंत्रण करो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं बाहर आ गया, उसको समझाया, तो उसने उस पे नियंत्रण किया। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि मुझे दूसरों के प्राइस नहीं मालूम। हो सकता है उनको जो भी मिल रहा हो, लेकिन अगर मुझे दूसरों के प्राइस आप बता दें तो मैं इसका जवाब दे दूंगा कि मैं हाईएस्ट हूँ या लोएस्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद मैं ताजमहल होटल खरीद लूंगा। वहाँ नहीं, नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट जो है ना, मैं इसके पहले विग पहनता था, लेकिन हमको एक हमारे पास एक दिन एक डॉक्टर आए, उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप सेठी, ये शायद मई या जून की बात है इस साल की। उन्होंने आके मुझे कहा कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ, और मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी तो मैं आपके ही गाने सुन के पढ़ता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती थी और कंसंट्रेशन मेरा बढ़ा और मुझे पढ़ाई में बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आज बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट का। तो मैंने कहा बहुत खुशी हुई, बैठिए चाय वाय पीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। मैंने कहा वो क्या? कहते हैं मैं आपका हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मुझे तो ज़रूरत नहीं है, विग लगा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कहने लगे नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप करा के देखिए। मैंने कहा ठीक है, चलिए करिए। और उन्होंने सच में बहुत अच्छा किया। आप मेरे बाल देख रहे हैं, ये डॉक्टर प्रदीप सेठी का कमाल है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि जिसको जिसको ज़रूरत है वो वहाँ ज़रूर जाए। अनुज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि जस्मीन का जो कोई उसकी कोई फेक था ये सब कुछ, लेकिन अगर जस्मीन इसके बाद आकर कहती है कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखती हैं, तो आपका आपका क्या रिएक्शन होगा अगर वो सचमुच कहती है? मैं तो नहीं रखता जी, अगर वो रखती हैं तो बहुत अच्छा, जरूर। ये तो उसकी मर्जी है ना, उसकी मर्जी, बाकी ये नहीं रखते तो जबरदस्ती थोड़ा बात खत्म हो गया। मैं ही नहीं रखता, कुछ रह गया था। हाँ, लेकिन ली नहीं ना, ली नहीं। डेफिनेटली उसका 7 लाख रुपए खर्चा आता है, लेकिन मुझसे इसलिए नहीं ली कि उनको अपनी पढ़ाई में मेरे गानों से बहुत हेल्प मिली, तो उन्होंने नहीं लिया। आज भी वो आते हैं, मिलते हैं बहुत प्रेम से, तो गुरु दक्षिणा है उनकी। उससे अच्छा नहीं हुआ, जरा